हेलो एवरीवन, आज फिर बढ़ते हैं इस सीरीज में साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले देखते हैं एक नोट, यहाँ हम पढ़ेंगे हिंदी मीडियम में। जैसे बात करते हैं दर्पण की, उत्तल दर्पण, और उत्तल लेंस, तो दोनों में क्या कॉमन होता है? दोनों की फोकस दूरी क्या होती है? 5 होती है। और फोकस दूरी दोनों की 5 होती है। उत्तल दर्पण को हम इस तरह से बनाते हैं, ये मुख्य अक्ष है, यहाँ पर फोकस, यहाँ पर वक्ता केंद्र, और यहाँ पर क्या बोलते हैं, पोल। पी क्या है? पोल, जिसे ध्रुव बोलते हैं। फोकस ये क्या कहलाता है? वक्ता केंद्र। ये किसका फिगर है हमारा? उत्तल दर्पण। इसी तरह से हम उत्तल लेंस कैसे बनाएंगे? उत्तल लेंस हमारा इस तरह से बनेगा, ये हमारा उत्तल लेंस। लेफ्ट में फर्स्ट फोकस F1, इसका ये 2x2 F1, राइट में F2, और ये क्या होगा? 2F2। और ये पॉइंट क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र, राइट। तो इनमें दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि दोनों की फोकस दूरी क्या होगी हमारी? क्या होगी? 5 होगी, राइट। आगे देखते हैं इसमें, इसी तरह से यदि हम बात करें अवतल दर्पण और अवतल लेंस, इन दोनों की बात करें, इनमें क्या होती है? फोकस दूरी क्या होती है? नेगेटिव होती है। दोनों में कॉमन चीज क्या है? फोकस दूरी क्या होगी? नेगेटिव होगी, राइट। तो यदि हम इसमें बात करें तो दोनों की फोकस दूरी क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो अवतल दर्पण एंड अवतल लेंस, दोनों की फोकस दूरी क्या होगी? क्या होगी? नेगेटिव होगी, राइट। ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट, दर्पण के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? 1/F, 1/V प्लस 1/U। यू क्या है? वस्तु की दूरी है। ये पोल से कितनी दूरी पर है? वी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है। एफ क्या है? दर्पण की फोकस दूरी है। तो ये किसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे? दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण के लिए। और दर्पण के लिए आवर्धन m का फार्मूला क्या होगा? V/U, और ये नेगेटिव यूज करेंगे। और m=I/O भी हम यूज करते हैं। I क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई, ओ क्या है? याकार कह सकते हैं, ओ क्या है? वस्तु की लंबाई, राइट।
ये हमारा किसके लिए फार्मूला है, दर्पण के लिए। अब इसी तरह से हम लेंस के लिए फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, चौथा सॉरी, लेंस के लिए क्या फार्मूला अप्लाई करते हैं, 1/f, 1/v माइनस 1/u। उसमें भी आवर्धन m के लिए क्या होता है, लेंस के लिए फार्मूला v/u, ये पॉजिटिव रहेगा, और m इक्वल टू i/ov यूज करते हैं। इन दोनों को इक्वल भी कर लेते हैं, राइट, जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी उस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है, वस्तु की दूरी, यहाँ क्या बात करते हैं, प्रकाशिक केंद्र से, और यहाँ किसकी बात करते हैं, दर्पण में ध्रुव से बात करते हैं, पोल से। जैसे हमारे पास ये लेंस है, उत्तल लेंस, ये क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र, तो ये डिस्टेंस इस साइड की क्या होगी, जैसे u इधर वाली लेफ्ट में जो डिस्टेंसेज जो होंगी वो क्या होंगे, नेगेटिव, और राइट में जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव। ये साइन कन्वेंशन है। यदि वस्तु इतने सेंटीमीटर दूर पर रखी हुई है तो u क्या होगा, नेगेटिव, प्रतिबिंब यदि राइट में बन रहा है तो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, राइट। तो इस तरह से ये फार्मूले हैं। चौथा पॉइंट, यदि प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है, तो m क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और यदि प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनता है, एम क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यदि प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी या सीधा बनता है, तो एम क्या होगा, पॉजिटिव। प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, तो एम क्या होगा, नेगेटिव। इसके बाद आगे देखते हैं, वक्रता त्रिज्या आर एवं फोकस दूरी F में संबंध का फार्मूला क्या होगा, R इक्वल टू होता है 2 times F। तो दर्पण के केस में, यदि दर्पण के केस की बात की जाए, उत्तल दर्पण एंड अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण की बात करें एंड अवतल दर्पण, देखते हैं इसमें आगे। तो उत्तल दर्पण के केस में उत्तल दर्पण का फिगर ये बनेगा, अंदर पॉलिश होगी, ये पोल है पी, ये एफ होगा फोकस, और ये सी होगा। इधर R क्या होगी, पॉजिटिव, और फोकस दूरी भी क्या होगी, पॉजिटिव। तो किसका फिगर है, उत्तल दर्पण। इसी तरह से बात करें अवतल दर्पण की, ये बाहर की ओर पॉलिश होगी ऐसे, तो यहां पर ये F होगा और ये C होगा, राइट। तो यहाँ पर ये वक्ता केंद्र है, ये पोल है, पोल से वक्ता केंद्र की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, ये वक्ता त्रिज्या कहलाएगी, और ये कैसी होगी, नेगेटिव होगी, और ये फोकल लेंथ है, ये कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो क्या है, ये अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण के केस में क्या होगा, माइनस आर एंड माइनस एफ,
उत्तल दर्पण के केस में क्या होगा, प्लस आर एंड प्लस एफ, इस बात को ध्यान देना है। आर इक्वल टू क्या रहेगा, टू एफ, राइट। तो उत्तल दर्पण केस में प्लस होगा आर, वक्ता त्रिज्या, आर क्या है हमारी वक्ता त्रिज्या, इसे क्या बोलते हैं हम, वक्ता त्रिज्या, राइट। तो इस तरह से ये फार्मूले याद रखने हैं। अगला नोट देखते हैं, एक बार रिमाइंड करते हैं फिर फार्मूले। वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन एफ। वी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, कहाँ से, ये किसके लिए यूज हो रहा है, दर्पण के लिए। वी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, कहाँ से, पोल से, ध्रुव से। ये क्या है, वस्तु की दूरी, और ये क्या है, फोकस दूरी है दर्पण की। दूसरा वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू वन अपॉन एफ। तीसरा फार्मूला आर इक्वल टू टू एफ। चौथा फार्मूला एम इक्वल टू वी अपॉन यू, किसके लिए, दर्पण के लिए। एम इक्वल टू आई अपॉन ओ, तो ये फार्मूला किसके लिए, हमारा दर्पण के लिए। ये भी किसके लिए हम यूज करेंगे, दर्पण के लिए। ये क्या है, लेंस के लिए। ये क्या है, हमारा दर्पण के लिए। आगे देखिए, एम इक्वल टू वी अपॉन यू एंड एम इक्वल टू आई अपॉन वी, ये किसके लिए, लेंस के लिए। ये फार्मूला हम लेंस के लिए यूज करेंगे। यदि वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो एम क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यदि आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है तो एम क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये सब हमें पता होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन कर सकते हैं और इनको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब देखते हैं इसमें और कॉन्सेप्ट। लेंस की क्षमता के लिए, लेंस की क्षमता, क्षमता P पावर, वन अपॉन एफ यूज करते हैं कब, फार्मूला, जब F क्या है हमारी, फोकल लेंथ, फोकस दूरी, ये किस में हो, मीटर में। और क्षमता का फार्मूला P 100 अपॉन एफ कब यूज करते हैं, जब हमारी ये फोकस दूरी क्या में हो, सेंटीमीटर में हो। तो ये फोकस दूरी यदि हमारी सेंटीमीटर में, तो P इक्वल टू क्या यूज करेंगे, 100 अपॉन एफ। और इस पावर का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, डायोप्टर, राइट। तो इसको भी याद रखेंगे। यदि दो लेंस जिनकी फोकस दूरी F1 एवं F2 है, एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं, तो फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी के लिए हम क्या यूज करेंगे, फार्मूला वन अपॉन एफ, वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू, ये यूज करेंगे। वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू, इससे हमें क्या निकल आएगी, कंबाइंड फोकस दूरी हमारी निकल आएगी। आगे देखते हैं,
यदि हमें क्वेश्चन में दिया है दो लेंस जिनकी क्षमताएं क्या दी हुई है, P1 एवं P2 दी हुई है, तो कंबाइंड क्षमता संपर्क में रखे हुए हैं, पावर क्या होगी, पावर का फार्मूला टोटल पावर P1 प्लस P2 हो जाएगी। तो ये फार्मूला हम अप्लाई कर लेंगे, राइट। आगे देखते हैं इसमें, अगला नोट, किरण आरेख बनाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, क्या हमें पता होना चाहिए किरण आरेख के लिए। नंबर एक, यदि हम बात करें उत्तल दर्पण, सॉरी दर्पण की बात करें, दर्पण में दो केस बन जाएंगे, एक तो उत्तल एंड अवतल, राइट। तो वन बाई वन दोनों को देखते हैं। पहली बात तो ये हमारा दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण, जिसमें पालिश कहाँ है, राइट्स में, राइट बाहर की ओर। अब क्या है, यहाँ पर हम क्या लेते हैं इसका फोकस, और यहाँ पर क्या वक्ता केंद्र, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होते हैं, इक्वल, क्योंकि टोटल यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होती है, 2 times होती है फोकस दूरी की, राइट। तो यदि कोई किरण हम समांतर लेते हैं, ये हमें याद रखना है, वो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से। इसी तरह से ये हमारा पोल होता है, ध्रुव जिसे बोलते हैं, पोल एफ लिया और ये सी लिया, और कोई प्रकाश किरण यदि फोकस से होके जाती है तो वो परावर्तन के पश्चात क्या होगी, समांतर हो जाएगी। तो कोई रे समांतर आती है कोई किरण, तो वो परावर्तन के पश्चात लेंस से परावर्तित किरण क्या होगी, हमारी फोकस से होके जाएगी, और जो फोकस से होके जाती है वो कहाँ, समांतर हो जाएगी, किसके, इस अक्ष के, प्रिंसिपल अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये हमें याद रखना है। और यदि कोई किरण प्रकाशिक केंद्र से जाती है, सॉरी वक्ता केंद्र से जाती है, तो वो सीधी जाकर परावर्तन के पश्चात वापस लौट आती है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें क्या याद रखना है कि जब भी हम इसका रे डायग्राम बनाएंगे, उसमें हमें तुरंत ये पता होना चाहिए फोकस, ये वक्ता केंद्र, समांतर किरण आएगी वो कहाँ से होकर चली जाएगी, फोकस से, और जो फोकस से होकर जाएगी ऐसे, वो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो जो समांतर जाएगी वो फोकस से होकर जाएगी, जो फोकस से होकर जाएगी वो समांतर हो जाएगी, और जो वक्ता केंद्र से होकर जाएगी वो वापस लौट जाएगी परावर्तन के पश्चात। तो ये कॉन्सेप्ट हमको याद रखना है। अब इसमें देखते हैं रे डायग्राम वन बाई वन। पहला, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए रे डायग्राम देखते हैं। जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो क्या बनेगा, देखते हैं। इसमें ये हमने अवतल दर्पण बना लिया, यहाँ पे पोल होगा P, ये फोकस और ये क्या है, C, राइट। तो वस्तु कहाँ पे रखी हुई है, हमारी अनंत पे रखी हुई है, तो अनंत बहुत दूर होगा, ऐसे बहुत दूर है, अनंत से आने वाली किरणें हमें कैसी प्रतीत होती हैं, समांतर, तो ऐसे किरणें आएंगी ये, और भी किरण ले सकते हैं ऐसे, समांतर आएंगी और ये परावर्तन के पश्चात फोकस से होके जाएंगी। समांतर आई, वस्तु कहाँ रखी है, कहीं इनफाइनाइट में, ऐसे
यहाँ पर कहीं वस्तु रखी है, ये सपोज कर लिया वस्तु यहाँ रखी, तो क्या करेंगे रेड रंग बनाने के लिए, हम समांतर किरणें ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे एक ऐसे ले लें फिर ऐसे ले लें, ऐसे बहुत सारी किरणें आएंगी, वो कहाँ से जाएंगी, समांतर किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से जाएंगी, तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनाएंगी, यहाँ पर बनाएंगी, राइट। तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा, बहुत छोटा बनेगा, और किसका, बिंदु आकार का बनेगा, वास्तविक बनेगा, क्या होगा, वास्तविक होगा, बहुत छोटा होगा, बिंदु आकार का बनेगा, और कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, राइट। तो जब वस्तु अनंत पर रखी है तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, कैसे बनाना है, अनंत पर हम यहाँ वस्तु को सपोज करेंगे, वस्तु रखी हुई है, समांतर किरणें आएंगी और कहाँ से होके जाएंगी, फोकस से होके, राइट। बहुत छोटा, वास्तविक और फोकस बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा। आगे देखते हैं इसमें, जब वस्तु, सेकंड कंडीशन, जब वस्तु अनंत एवं वक्ता केंद्र के मध्य रखी हो, के मध्य स्थित हो, तो इसके लिए अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा देखते हैं। ये हमने अवतल दर्पण बनाया बाहर की ओर पालिस, ये मुख खच बनाया तुरंत, राइट। तो यहाँ पे हम फोकस दिखा देंगे और ये हमारा कहीं पे, यहाँ पे हमने फोकस दिखा दिया और ये कहीं पे हमारा वक्ता केंद्र, वस्तु कहाँ रखी है, अनंत और वक्ता केंद्र मध्य, कहीं यहाँ रखी हुई है। तो एक किरण हम कैसे दिखाएंगे, समांतर, जो कहाँ से होके जाएगी, तुरंत रिफ्लेक्ट होगी, फोकस से जाएगी। हमारे पास तीन ही रास्ते हैं, एक तो हम क्या दिखा सकते हैं, समांतर जाएगी ले सकते हैं जो फोकस जाएगी, या हम ऐसा कर सकते थे फोकस से जाए समांतर हो जाएगी, राइट। और एक हम क्या दिखा सकते हैं, वक्ता केंद्र, इसके अलावा कोई रास्ता हमारे पास नहीं है, राइट। तो हमें कन्फ्यूज नहीं होना, तीन टाइप हमें याद रखना है, एक समांतर तो फोकस ही जाएगी, यदि फोकस से लेते हैं तो समांतर हो जाएगी, और एक वक्ता केंद्र, इसके अलावा कुछ नहीं। तो हमें रे बनाने के, रे डायग्राम खींचने के लिए दो रे की आवश्यकता होती है, केवल दो। तो हमने क्या कर दिया, एक समांतर ले ली फोकस से होके जाएगी, और एक हमने लिया वक्ता केंद्र से, ऐसे इसको यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, तो ये वापस क्या होगी, वापस लौट जाएगी, यहाँ पे कट करेगी और यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो जब वस्तु अनंत में रखी तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये वस्तु है हमारी, क्या दिखाई दे रहा है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, सी और एफ के बीच बन रहा है, छोटा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है। तो क्या कंडीशन आ गई, कंडीशन आ गई हमारी, वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा, दूसरा क्या होगा, वास्तविक होगा, तीसरा क्या होगा, सी एवं एफ के बीच बनेगा, के मध्य बनेगा, चौथा क्या होगा, उल्टा बनेगा। तो ये हमें चार कंडीशन मिल गई, छोटा बनेगा, वास्तविक होगा, वक्ता केंद्र और फोकस के मध्य बनेगा, और कैसा होगा, उल्टा बनेगा, राइट। कब रखी हो, जब वस्तु कहाँ रखी, अनंत और वक्ता केंद्र के मध्य। तो फिर रेड डायग्राम बनाने के लिए करना क्या है, एक हमने क्या ली, समांतर तो फोकस से गई, और एक हम क्या लेंगे, वक्ता केंद्र से, तो जो वापस लौट जाएगी और जहाँ पे कट करेंगे वहीं प्रतिबिंब बनेगा, और कुछ नहीं करना, तीन कंडीशन हमको याद रहना चाहिए, राइट। अगला देखते हैं, जब वस्तु वक्ता केंद्र पर रखी हो तो क्या होगा,
जब वस्तु हमारी कहाँ रखी, ये पोल है पी, वक्ता केंद्र पर रखी हो, ये एफ, ये सी, ये हमने वस्तु मान ली। तो करना क्या है, अब तो वक्ता केंद्र से नहीं जा सकती, अब हम क्या करें, एक किरण क्या लेंगे, हम समांतर लेंगे, राइट। तो वो फोकस से होकर के जाएगी ऐसे, और एक किरण हम क्या लेंगे, फोकस से लेंगे ऐसे, और जो हमारी क्या होगी, समांतर हो जाएगी, और वो समांतर हो गई। तो एक किरण हमने समांतर ली तो वो कहाँ से आ गई, फोकस से, और एक हमने फोकस से ली तो समांतर हो गई, और वो यहाँ पर प्रतिबिंब बना। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्ता केंद्र पर ही बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक। तो इसमें क्या लिया, बस क्या मिस कर दिया इसमें, वक्ता केंद्र से नहीं लिया, क्या लिया, तीन कंडीशन होती है, एक समांतर ले सकते हैं, या फोकस से जाए, या वक्ता केंद्र से जाए। तो हमने क्या लिया, एक समांतर ली तो फोकस से गई, एक फोकस से ली तो समांतर, यहाँ पे कट करेंगे। तो इसमें क्या कंडीशन निकली, जो वस्तु कहाँ रखी हो, वक्ता केंद्र पर, ये वस्तु रखी हुई हमारी, तो प्रतिबिंब कहाँ बना हमारा, ये हमारा नीचे वाला क्या है, प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा, क्या बना, वास्तविक, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, तीसरा वक्ता केंद्र पर बनेगा, राइट, उल्टा होगा, वास्तविक होगा, वक्ता केंद्र, चौथा वस्तु के बराबर होगा, आकृति में वस्तु के क्या होगा, लंबाई में क्या होगा, वस्तु के बराबर होगा। तो जब वस्तु कहाँ रखी हो, वक्ता केंद्र पर, तो ये कंडीशंस होंगी। आगे देखते हैं इसमें, चौथा पॉइंट, जब वस्तु वक्ता केंद्र एवं फोकस के मध्य रखी हो, ये F और ये C, तो वस्तु कहाँ रखी है, वक्ता केंद्र, ये क्या है, फोकस के मध्य रखी, यहाँ पे रख देते हैं। तो एक किरण हमारी कैसे जाएगी, एक किरण हमारी समांतर गई, तो वो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से, ये फोकस से होके गई। और एक किरण हम क्या ले सकते हैं, कहाँ रखी हुई है वस्तु हमारी, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच, राइट। तो एक किरण हम क्या ले सकते हैं, हमारी किरण कहाँ से होके जाएगी, हम कहाँ से ले सकते हैं, वक्ता केंद्र से, सीधे गई और ये क्या होगी, वापस लौटेगी ऐसे, और वापस एक वक्ता केंद्र, सॉरी ये हम क्या लेंगे, वक्ता केंद्र से जाते हुए दिखाएंगे ऐसे, ये वक्ता केंद्र से गई ऐसे सीधे वापस लौटेगी, राइट। और इसको हमें कहीं पीछे मिलाना है, एक सेकंड, तो इसका फिगर थोड़ा सा दूसरी बार बनाते हैं। ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये एफ है और ये सी है। तो हमने वस्तु लिया वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में, एक किरण क्या हुई हमारी, समांतर गई, वो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके, ये गई। दूसरी किरण हम क्या लेते हैं, वक्ता केंद्र से, तो ये वक्ता केंद्र से गई ऐसे, राइट, वापस होके लौटेगी और कहीं यहाँ पर इसको मिलेगी। तो क्या हुआ, एक हमने किरण की गैस किससे ली, वक्ता केंद्र से, और ये वापस होकर के क्या होगी, यहाँ पर मिलेगी और प्रतिबिंब बनाएगी। ये तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। तो क्या करेंगे इसमें, तो अब क्या होगा, इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब होगा,
वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। चौथा, वास्तविक उल्टा और कहाँ बनेगा, अनंत और सी के बीच में, अनंत एवं वक्ता केंद्र के मध्य बनेगा। तो ये कंडीशन होगी। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक उल्टा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, अनंत एवं वक्ता केंद्र के मध्य बनेगा, राइट। अगला देखते हैं, जब वस्तु फोकस पे रखी हो, जब वस्तु फोकस पर रखी हो तो कैसा बनेगा। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब देखते हैं इसको। ये हमारा अवतल दर्पण है, ये मुख अक्ष हो गया, यहाँ पोल पी सो कर दिया, ये एफ फोकस और ये सी, और वस्तु हमारी रखी हुई है कहाँ पे, फोकस पे, राइट। तो एक समांतर किरण लेते हैं मुख अक्ष के, जो कहाँ से होके जाएगी, परावर्तन के पश्चात फोकस से होके जाएगी। अब एक रे लेते हैं कि वक्ता केंद्र से होती हुई जा रही है इसे, और ये परावर्तन होकर के, परावर्तित होकर के, परावर्तन के पश्चात क्या होगी, कहाँ मिलेगी, इस समांतर किरण हो जाएंगी, कहीं अनंत में मिलेगी, राइट। तो ये मान लेते हैं कहीं अनंत पर ऐसे प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन वो प्रतिबिंब क्या होगा, बहुत बड़ा बनेगा, बहुत कहीं बहुत पीछे मिलाने पर मिलेंगी ये दोनों किरणें, समांतर हो जाएंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगी कंडीशन, नंबर एक वास्तविक बनेगा, नंबर दो बहुत बड़ा बनेगा, नंबर तीन उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, नंबर चार अनंत पर बनेगा। तो हम दिखा सकते हैं पीछे आएगा वापस, तो ये दोनों रे कहीं इनफाइनाइट में मिलेंगी, पीछे कहीं इन्फाइनाइट मिलेंगी, तो इस तरह से यहाँ कहीं मान लेंगे कि प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन बहुत बड़ा बनेगा, राइट। तो जब वस्तु कहाँ पे रखी थी, फोकस पे। आगे देखते हैं इसमें, तो फोकस पे रखी है तो कहाँ कहाँ बनेगा, वास्तविक बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा और अनंत पर बनेगा। लास्ट कंडीशन देखते हैं इसमें, जब वस्तु ध्रुव पोल एवं फोकस के मध्य रखी हो, तब क्या होगा। ये हमने अवतल दर्पण लिया, ये इसका पोल, ये फोकस, ये वक्ता केंद्र, राइट। अब हमें वस्तु को यहाँ रख देना है, तो ये समांतर कहाँ से होके जाएगी, परावर्तन के पश्चात वापस कहाँ से होके जाएगी, ये फोकस से होके जाएगी, ये फोकस से होगी, राइट। और एक प्रकाश कण हम क्या शो करेंगे, ऐसे जाएगी और परावर्तन के पश्चात ये ऐसे शो करेंगे, और ये समांतर नहीं होगी, ये ध्यान देना, इसको थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, इनके बीच का जो गैप होगा वो बढ़ता चला जाएगा। तो एक किरण हम वक्ता केंद्र से ऐसे शो कर लें तो ज़्यादा इजी होगा। तो ये वक्ता केंद्र से होकर जो जा रही है ऐसे, वापस ये क्या होगी, लौटेगी ऐसे, राइट। लेकिन इनके बीच का जो गैप होगा वो बढ़ता जाता है, राइट, ये कभी मिलेंगी नहीं, इसलिए हम क्या समझेंगे कि इनके कहीं पीछे ऐसा आभास होगा
कि ये कहीं पीछे मिलती हुई प्रतीत होंगी, ऐसे कहीं पीछे मिलती हुई ये प्रतीत होंगी ऐसे। तो जब हमारी वस्तु कहाँ रखी हो, फोकस और पोल के बीच में, तो एक तो किरण हमने लिया समांतर तो फोकस से होके गई, और एक किरण हमारी वापस वक्ता केंद्र से होकर के जाएगी, लेकिन ये दोनों के बीच में गैप बहुत ज़्यादा होगा, ये समांतर भी नहीं होंगी, तो ये गैप बढ़ता जाएगा, इसलिए हम इनको पीछे मिला देते हैं। तो ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा हमारा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और उल्टा बनेगा, सॉरी सीधा बनेगा हमारा, आभासी बनेगा, और वस्तु से क्या होगा हमारा, क्या होगा, बहुत बड़ा बनेगा, आभासी होगा, सीधा होगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, और दाईं ओर बनेगा। तो ये कंडीशन इसमें आएंगी कि जब हमारी वस्तु कहाँ रखी हो, फोकस और पोल के बीच रखी हो, तो क्या होगा हमारा प्रतिबिंब, क्या होगा, आभासी होगा, सीधा होगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और दाईं ओर बनेगा। तो ये कभी भी मिलेंगे नहीं, राइट। तो ये हमने किसकी कंडीशन पढ़ ली, अवतल दर्पण की। अब हम देखते हैं इसमें उत्तल दर्पण। अगला नोट देखते हैं उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण हम इस तरह बनाते हैं, अंदर की ओर पॉलिश होती है ऐसे, ऐसे में बहुत कंडीशन नहीं होती, दो कंडीशन है केवल, ये यहाँ फोकस होगा, ये सी होगा राइट में। नंबर एक, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, तो जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर, तो हमें क्या करना है, ऐसे रेज ले लेनी है, ये कहीं इनफाइनाइट है, ऐसे रह जाएंगी समांतर, और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी वापस, ऐसे इनका परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन हम ये मानेंगे कि ये यहाँ मिलती हुई प्रतीत होंगी ऐसे इस पॉइंट पर। तो जब वस्तु अनंत पर होगी उत्तर दर्पण में के लिए, तो क्या होगा, समांतर किरणें लेंगे, ये वापस रिफ्लेक्ट होंगी, परावर्तित होंगी, इनको पीछे मिला देंगे, तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब आभासी बनेगा, पहली बात तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा, दाईं ओर बनेगा, राइट, आभासी होगा, बिंदु आकार का होगा, मतलब बहुत छोटा होगा, ठीक। तो जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पे रखी हो, तो इस तरह का प्रतिबिंब हमारा बनेगा। आगे देखते हैं इसमें, इसमें दो कंडीशन ही पढ़नी है हमको, सेकंड कंडीशन, जब वस्तु अनंत एवं ध्रुव के मध्य रखी हो, जब वस्तु अनंत एवं ध्रुव के मध्य रखी हो, ध्रुव और अनंत के मध्य कहीं यहाँ रखी मान लेते हैं ऐसे, तो एक किरण समांतर लेते हैं ऐसे, ये परावर्तित हो जाएगी, लेकिन इसको मान लेते हैं कि पीछे फोकस से होते हुए जाएगी, और एक किरण हम लेते हैं जो प्रकाशिक केंद्र से की ओर जा रही है, लेकिन ये परावर्तित हो जाएगी, और ये मान लेंगे कि ये क्या होगा, कि ये पीछे मिलाने पर कहाँ से होके जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से। तो ये हमने क्या ली, ये रे ले रहे हैं कहाँ से होके जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से, लेकिन जैसे यहाँ तक आएगी तो ये परावर्तित हो जाएगी, और पीछे मिलाने पर
ये माना जाएगा, मान लिया जाएगा कि ये कहाँ से, वक्ता केंद्र से होकर जा रही है, राइट। तो ये कहाँ पे कट कर रही है दोनों रे, यहाँ पे, तो यहीं पर इसका छोटा सा प्रतिबिंब बन जाएगा। तो जब वस्तु अनंत और ध्रुव के मध्य रखी होगी तो एक किरण हम क्या लेंगे, प्रकाश किरण समांतर, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ये पीछे बनाने पर फोकस से होते हुए जाएगी। एक किरण हम लेंगे कि वक्ता केंद्र से जा रही है सीधे से, लेकिन रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वापस लौटेगी, लेकिन पीछे इसको मिलाते हुए वक्ता केंद्र से पास करेंगे तो ये यहाँ पे कट करेंगे दोनों रे, तो यहाँ पर ये प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, आभासी होगा, आभासी होगा। दूसरा छोटा होगा किससे, वस्तु से, वस्तु से छोटा होगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा और दाई ओर बनेगा। तो ये कंडीशन किसमें होती है, उत्तल दर्पण में। अब बात करते हैं लेंस की। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस में सबसे पहले जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो कैसे, किस तरह का इमेज बनेगा, तो ये हमने उत्तल लेंस बना लिया। और यहाँ भी हम क्या करते हैं, दो प्रकार की रेज लेते हैं, जो समांतर जाएगी, इधर इसका फर्स्ट फोकस F1 और ये उसका जस्ट टू टाइम्स ये F1, तो ये डिस्टेंस क्या होती है F1 का, टू टाइम्स टू F1। इधर क्या होता है, सेकंड फोकस F2, ये क्या होता है, टू टाइम्स F2। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस टू टाइम्स होगी इस डिस्टेंस की। ये फर्स्ट फोकस, ये फर्स्ट फोकस का टू टाइम्स, ये सेकंड फोकस, सेकंड फोकस का टू टाइम्स। तो कोई रे यदि हम पैरेलल लेंगे तो क्या होगा, फोकस से होके जाएगी। और ये क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, इसको हम ओ लिख देते हैं। और कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो सीधी निकल जाएगी, राइट। तो याद रखना है इसमें कि कोई समांतर जाएगी तो फोकस से होके जाएगी, कोई ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो सीधी निकल जाएगी। और जैसे अभी हमने देखा, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, ये 2F1, ये F2 और ये 2F2। अब कोई रे फोकस से होके जाती है ऐसे, तो यहाँ पर परावर्तन नहीं होगा, यहाँ क्या होने वाला है, अपवर्तन होगा। यहाँ पर परावर्तन नहीं होगा, यहाँ क्या होता है, अपवर्तन। यदि फोकस से होके जाती है तो क्या हो जाएगी, वो समांतर हो जाएगी, राइट। तो यदि फोकस से होके जाती है तो क्या होगी, समांतर होगी। तो यहाँ पर हमें कितने टाइप की किरण लेनी है, रेज लेनी है, हमें दो टाइप की हम लेंगे। वैसे जैसे मैंने अभी बताया कि हमें इसमें ये क्लियर कर लेना है कि समांतर जाएगी तो कहाँ से, ये F2 से होके जाएगी, ये फंडा। और यदि ये प्रकाशिक केंद्र से होके जाएगी, यदि ये प्रकाशिक केंद्र से, ये ऑप्टिकल सेंटर ऐसे जाती तो ये सीधा निकल जाएगी। ये फंडा हमको क्लियर होना चाहिए, राइट, कि यदि ये ऑप्टिकल सेंटर से होके जाती है तो सीधी निकल जाएगी, राइट। तो ये हमें याद रहना चाहिए। तो जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो कैसा फिगर बनेगा, देखते हैं इसको। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, ये 2F1, ये F2, ये 2F2। तो अनंत पर बहुत दूर कहीं रखी हुई है, तो समांतर किरणें ऐसे आएंगी, राइट। तो समांतर किरणें ऐसे आती रहेंगी तो ये कहाँ से जाएगी, फोकस से होके जाएगी। और भी इसी तरह से समांतर किरणें आएंगी और वो भी कहाँ से होके जाएंगी, फोकस से होके जाएंगी, राइट।
तो वो भी कहाँ से होके जाएंगी, फोकस से होके जाएंगी, राइट। तो इस तरह से यदि वस्तु कहीं अनंत में बहुत दूर रखी हुई है तो इस तरह से समांतर किरणें आती जाएंगी, ऐसे ऐसे आती जाएंगी, और यहाँ अपवर्तन होगा और ये ऐसे फोकस से होंगे जाएंगी और यहाँ पर मिलेंगी। जब यहाँ पर मिलेंगी तो क्या बनाएंगी, प्रतिबिंब। तो कैसा प्रतिबिंब होगा, बिंदु आकार का होगा। दूसरा वास्तविक होगा। तीसरा कहाँ बनेगा, F2 पर बनेगा, फोकस पर। चौथा दाईं ओर बनेगा। तो ये कंडीशन होगी जब वस्तु उत्तर लेंस में कहाँ रखी हो, अनंत में रखी हो, तो ये फिगर बनेगा। बिंदु आकार का होगा, वास्तविक होगा, F2 पर बनेगा फोकस पर बनेगा दाईं ओर बनेगा, राइट। अगली कंडीशन देखते हैं। जब वस्तु अनंत एवं 2F1 के मध्य रखी हो, तो कैसा बनेगा देखते हैं। ये हमारा उत्तर लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर, इधर हम F1 बनाएंगे, इधर हम 2F1 बनाएंगे, इधर हम F2 बनाएंगे, इधर हम 2F2, ठीक। अब क्या है, अनंत कहीं साइड होगा, इधर अनंत और 2F1 के मध्य रखी हो ये, तो एक हम क्या करेंगे, समांतर लेंगे, जो कहाँ से होके जाएगी, ये फोकस से गई। दूसरी हम क्या लेंगे, प्रकाशिक केंद्र से लेंगे ऐसे। तो दूसरी किरण हम क्या लेंगे, प्रकाशिक केंद्र से लेंगे, राइट। तो वो कहाँ पर जाएगी, ऐसे, ऐसे बना देते हैं, राइट। तो इस तरह से ये फिगर बनेगा। इस 2F2 को थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। तो अभी हमारा प्रतिबिंब जब अनंत पर किरण थी, अनंत पर वस्तु थी, तो कहाँ बना था, फोकस पे, ये F2 पे बना था। अब क्या होगा, अनंत और 2F1 के मध्य है, तो क्या होता है कि ये पहले यहाँ बना था, अब थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। अब किस किस के बीच में आएगा, F2 और 2F2 के बीच में आएगा, ऐसे यहाँ बनेगा, राइट। तो अब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, F2 और 2F2 के बीच बनेगा, राइट। तो लिख देते हैं इसमें, पहले कहाँ बना था, फोकस पर, अब इस तरह राइट साइड शिफ्ट होता जाएगा। तो पहली कंडीशन क्या होगी, वास्तविक होगा। दूसरा क्या होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, सॉरी इसमें वस्तु से बड़ा नहीं बनेगा ये, क्योंकि पहले क्या था, बिंदु आकार, तो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन वस्तु से छोटा बनेगा। क्या होगा, जैसे जैसे राइट की ओर जाएंगे हम, तो हमारा प्रतिबिंब क्या होगा, पहले बिंदु आकार का बनेगा, थोड़ा सा बड़ा बनेगा, थोड़ा शिफ्ट होंगे ऐसे, तो ये बिंदु आकार से थोड़ा सा बड़ा होगा, उससे बड़ा होगा, लेकिन वस्तु से बड़ा नहीं होगा, इसलिए वस्तु से क्या लिखेंगे, छोटा होगा। और किस किस के बीच में बनेगा, F2 एवं 2F2 के मध्य बनेगा, के मध्य बनेगा। तो कंडीशन क्या है यहाँ पे, कि हमने भी क्या देखा कि F2 पर कैसा बन रहा था प्रतिबिंब, बिंदु आकार का बन रहा था, और जैसे ही हमने क्या लिया, वस्तु को अनंत और 2F1 के बीच में लिया, मध्य लिया, तो ये इधर राइट साइड की ओर पेमेंट, ये हमारा प्रतिबिंब शिफ्ट करेगा, लेकिन बिंदु आकार का नहीं होगा, उससे कुछ बड़ा होगा, लेकिन वस्तु से क्या होगा, छोटा बनेगा। अगला देखते हैं, तो
तो हमें क्या याद रखना है, ये कंडीशन याद रखनी है। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि इसमें कितनी कंडीशन पॉसिबल हैं। अभी अगला पॉइंट बाद में लेंगे, 2F1, ये F2, ये 2F2। एक बार हम लेंगे कि कहाँ रखी है, अनंत पे रखी है, राइट। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F2 पर, बिंदु आकार का बनेगा। एक बार हम लेंगे कि अनंत और कहाँ पर, 2F1 के बीच रखी हुई है। तो जैसे जैसे हम, तो ये हमारा प्रतिबिंब राइट की ओर शिफ्ट होगा, तो F2 और 2F2 के बीच बनेगा ऐसा। और जब 2F1 पे रखी होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F2 पर बनेगा, वस्तु के बराबर ही बनेगा। मतलब राइट की ओर जैसे जैसे शिफ्ट करेंगे तो प्रतिबिंब का आकार बढ़ेगा। तो क्या हुआ, यहाँ बिंदु आकार उससे थोड़ा सा बड़ा, यहाँ पर जब बनेगा तो वो वस्तु के बराबर बनेगा, राइट। तो अब अगली कंडीशन इसमें लेते हैं, जब वस्तु टू एफ वन पर रखी हो, तो इसके लिए क्या कंडीशन है, तो ये एफ वन हो गया, ये 2F1 हो गया। तो वस्तु कहाँ रखी है, 2F1 पे रखी है। इधर F2 शो कर देंगे, इधर 2F2 शो कर देंगे, तो ये पैरेलल रह गई हमारी, और ये कहाँ से अपवर्तित होकर के F2 से होके जाएगी। एक हम शो करेंगे प्रकाशिक केंद्र से, और कहीं यहाँ मिलेगी, क्योंकि हमें इसको प्रतिबिंब को कहाँ बनाना है, 2F2 के नीचे। तो हम ऐसे ले जाएंगे ये, और कहीं यहाँ पर ये मिल जाएगी, राइट। तो प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण क्या होती है, रे क्या होती है, सीधी निकल जाती है, और ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। तो मैंने अभी पीछे क्या बताया कि 2F1 से यदि पहले होगी तो कहाँ बनता था, F2 और 2F2 के बीच में, थोड़ा सा बड़ा बनता था। और जब इनफाइनाइट पे थी तो कहाँ बना था, F2 पर, वो भी बिंदु आकार का, फिर थोड़ा सा बड़ा। अब क्या हो गया, वस्तु के आकार का ही बनेगा, ठीक है ना, वस्तु के बराबर आकार का। तो कंडीशन क्या होगी, वास्तविक बनेगा, क्या बनेगा, दूसरा उल्टा बनेगा, तीसरा वस्तु के आकार का बनेगा, चौथा पॉइंट क्या होगा, F2 पर बनेगा। ये कंडीशन है, ठीक है ना। तो जब अनंत पर रखा हो तो F2 पर बनता है, और बिंदु आकार का, जब अनंत और 2F1 के बीच रखा हो तो F2 और 2F2 के थोड़ा सा बड़ा बनता है, और जब 2F1 पर रखा हो तो कहाँ बनता है, 2F2 पर, और वस्तु के आकार का ही बनेगा, राइट। अब हम अगली कंडीशन लेंगे, 2F1 और F1 के बीच। जब वस्तु 2F1 एवं F1 के मध्य रखी हो, तो इसके लिए बनाते हैं, ये F1, ये 2F1, इधर F2 शो कर देंगे, इधर 2F2। तो 2F1 और F1 के बीच रखी है। ऐसे एक किरण हम समांतर लेंगे जो कहाँ से जाएगी, फोकस से ऐसे हो जाते, और एक हम प्रकाशिक केंद्र ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे, ऐसे जाएगी। और हम ये सोचेंगे कि हमारा प्रतिबिंब क्या अभी तक कहाँ तक बन चुका है, 2F2 तक बन चुका है। ये हमको पता है कि जब हमने 2F1 में लिया था तो कहाँ बना था, 2F2 पे। तो क्या दिमाग रखना कि हमारा इमेज प्रतिबिंब जो है राइट की ओर शिफ्ट कर रहा है, तो हमको ऐसा बनाना है फिगर कि जिससे ये हमें ये ऐसा शो हो जाए कि जो ये दोनों किरणें मिलें, प्रकाश किरणें मिलें, वो 2F2 के राइट में मिलें, ये हमको ध्यान देना है। तो हमने ये शो कर दिया। अब जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से बड़ा बनेगा, क्योंकि हमारा प्रतिबिंब कैसा शिफ्ट हो रहा है, क्या सोचना है इसमें। पहले कहाँ बना था, जब अनंत पर था तो F2 पे, फिर कहाँ बना, इस पर, थोड़ा सा बड़ा, फिर जब यहाँ बना तो वस्तु के बराबर, अब क्या होगा, इसकी दाई ओर बनेगा 2F2 के, तो वस्तु से बड़ा बनेगा। तो हमें क्या सोचना है, सबसे पहले मैंने बार बार बताया, पीछे बताया, पहले F2 बनेगा अनंत पर होगा तो बहुत बिंदु आकार का बनेगा, फिर F2 और 2F2 के बीच बनेगा, उससे थोड़ा सा बड़ा बनेगा बिंदु आकार से,
और जब 2F2 में बनेगा तो क्या होगा, वस्तु के आकार का बनेगा। पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन और ये क्या है, चौथी, ये वस्तु से बड़े आकार का होगा, वास्तविक होगा। दूसरा उल्टा होगा, तीसरा वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, चौथा 2F2 के बाद बनेगा, मतलब 2F2 से पहले नहीं, 2F2 के राइट में बनेगा, राइट, तो यह 2F2 के पीछे बनेगा। तो ये कंडीशन हम याद रखेंगे। पांचवी कंडीशन, जब वस्तु फोकस या F1 पर रखी हो, तो क्या होगा, तो ये F1, ये 2F1, ये F2 और ये 2F2। तो जब वस्तु हमारी कहाँ रखी हो, फोकस पर, F1 पर, एक समांतर किरण लेंगे जो F2 से होकर जाएगी और एक हम प्रकाशित केंद्र पर लेंगे, ऊपर ओ से होते हुए जाएगी एक रे कि प्रकाशित केंद्र से होकर जा रही है, तो 2F2 के राइट में ही प्रतिबिंब बनना है। तो पहले यहाँ कहीं बना था, अब क्या होगा, ये ऐसे जाएगी और कहीं बहुत दूर ये रेज हमारी मिलेंगी, बहुत दूर मिलेंगी कहीं पे, कहीं ऐसे मान लेंगे कि राइट में बहुत दूर बनेंगी और वो क्या होगी कंडीशन, अनंत। तो कैसा होगा, वास्तविक होगा। दूसरा की दूसरी कंडीशन क्या होगा, उल्टा होगा और कहाँ बनेगा, बहुत दूर बनेगा, मतलब अनंत पर बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। तो हमारा प्रतिबिंब क्या शिफ्ट हो रहा है, राइट में शिफ्ट हो रहा है। पहले F2 पे बना था, फिर यहाँ बना था थोड़ा सा बड़ा, फिर यहाँ वस्तु के बराबर बना था, फिर यहाँ कहीं बना था राइट, तो वो वस्तु से बड़ा बना था, अब वस्तु से क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। कब, जब फोकस पे स्थित हो, F1 पर। अब अगली कंडीशन क्या है, F1 और O के मध्य स्थित हो, तो कहाँ बनेगा, जब वस्तु F1 एवं O, O मीन्स प्रकाशिक केंद्र के मध्य रखी हो, तो कैसा बनेगा, तो ये F1 है, ये कहीं यहाँ पे F2 होगा। अब हमको वस्तु को यहाँ लेना है, तो एक तो समांतर होके जाएगी और ये फोकस से होते हुए चली जाएगी राइट, एक हम ऐसे लेंगे प्रकाश से केंद्र सीधी निकल जाएगी, लेकिन ये कभी भी मिलेंगे नहीं क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि इसके पहले क्या थी, दोनों रे पैरेलल आई थी, कहीं अनंत पर मिल सकती थी, तो अनंत पर बनाया गया था। तो हम क्या करेंगे, इनको पीछे बढ़ाएंगे, ऐसे पीछे ऐसे बढ़ाएंगे, इसको भी पीछे ऐसे बढ़ाएंगे, ये कहीं पीछे ऐसे बढ़ाएंगे, ये पीछे कहीं मिलेंगी। सपोज कर लिया यहाँ पर मिली, तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी होगा क्योंकि पीछे मिलाने पर बन रहा है, क्या होगा,
आभासी होगा, वस्तु से बड़ा होगा। तीसरा सीधा होगा। चौथा आईफोन और अनंत के बीच बनेगा। मतलब आईफोन के पीछे बनेगा। तो ये सारी कंडीशन किसकी थी? उत्तल लेंस की थी। अब देखते हैं इसके बाद की जो कंडीशन है वो किसकी होंगी, अवतल लेंस की देखते हैं। अवतल लेंस, अवतल लेंस हम इस तरह से बनाते हैं। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। तो इसमें जब वस्तु ले लेते हैं, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, अनंत पर, तो इसमें कहीं बहुत दूर ऐसे रखी हुई है तो समांतर किरणें आएंगी ऐसे। और अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं, किरणों को फैला देता है, सिकुड़ेगा नहीं, ये फैला देगा ऐसे। तो ऐसे मान लेते हैं समांतर किरणें आ रही हैं, बहुत दूर से आ रही हैं, तो ये क्या करेगा, फैला देगा, ये कभी मिलेंगे नहीं आपस में। ये हमारा F1 है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब समांतर तो फोकस से होती हुई जाती हैं ये ऐसे, तो पीछे हम इसको मिला देंगे इस किरणों को, ये फोकस से होती हुई जाएंगी। तो कहाँ बनेगा, जब वस्तु अनंत पर हो तो कहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब, फोकस पर बनेगा। दूसरा बिंदु आकार का बनेगा, राइट, आभासी होगा, राइट। तो ये समांतर किरण ही पीछे मिला दोगे तो F1 पे, जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर, राइट। अब क्या है सेकंड कंडीशन, कि वस्तु हमारी कहाँ रखी हो, जब ने कहाँ लिया, अनंत पर, ठीक है ना। तो कहाँ पे बना प्रतिबिंब, फोकस। दूसरी दो कंडीशन बनते हैं, एक वस्तु हम कहाँ ले लेंगे, आईफोन और ओ के मध्य ले लेंगे। तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देखते हैं इसको आगे 1x1। अब अगली कंडीशन लेते हैं, जब वस्तु सेकेंड कहीं, जब वस्तु हमारी अवतल लेंस में कहाँ रखी हो, देखिएगा ये अवतल लेंस है, ये F1, ये ऑप्टिकल सेंटर। जब वस्तु कहाँ रखी हो, F1 के पीछे कहीं भी रखी हो, अनंत एवं F1 के मध्य रखी हो, तो क्या होगा। तो यहाँ पर वस्तु रख देते हैं ऐसे, तो ये क्या काम करेगा, फैला देगा, अपसारी लेंस होता है, ये फैल गई। और दूसरी किरण हम लेते हैं जो प्रकाशिक केंद्र से होके जाएगी ऐसे, वो सीधी निकल जाएगी। इसको हम पीछे मिला लेते हैं ऐसे, पीछे मिलाते हैं, इसको हम, क्योंकि ये मिलेंगे नहीं कभी भी, तो हम इसको पीछे की ओर मिलाने की कोशिश करते हैं ऐसे, कि समांतर है तो ये कहाँ से होके जाएगी बाद में, फोकस से ऐसे, तो इसको हम पीछे मिला देंगे ऐसे, तो ये फोकस से होते हुए जाएगी। तो ये कहाँ पे मिल रही हैं, सीधे गई, फैल, इसको डाइवर्ट कर देंगी, फैल जाएगी और ये सीधे निकल जाएगी, तो यहाँ पर ये मिल रही है, तो यहीं पर छोटा सा प्रतिबिंब बनेगा। तो जब वस्तु अनंत और F1 के बीच में रखी हो कहीं पीछे, राइट, तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। चौथा F1 एवं O के मध्य, O क्या है हमारा, प्रकाशिक केंद्र, ओ के मध्य बनेगा। तो ये सारी कंडीशन हमने क्या लर्न की, कि कहाँ कैसे कैसे हमारा प्रतिबिंब बनता है।
और ये कुछ ना कुछ कोई ना कोई कंडीशन हमारी एग्जामिनेशन में ज़रूर आती है। और अगले लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन पढ़ेंगे।